हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। और जितना हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना का कंप्लीट जो चैप्टर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वांटम संख्याएं क्या होती है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, दैट मीन्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जानकारी, अब क्या जानकारी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश का है, इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश का है, सबशेल कौन सा है, शेल कौन सा है, और कक्षक यानी ऑर्बिटल कौन सा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसका वेग कितना है। ये संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम चार संख्याओं का यूज करते हैं, जिन्हें क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और ये चार प्रकार की होती हैं। तो पहला सवाल ही आपका यहीं से बनता है दोस्तों कि क्वांटम संख्याएं कितनी होती है संख्या में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना, चार क्वांटम संख्याएं होती है। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी क्वांटम संख्या दिगंजी क्वांटम संख्या, तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय, और चौथी कहलाती है चक्रण क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल, एज्यूमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, देखिए आप, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको सवाल मिल जाए एग्जाम में कि एक कक्षक के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं होती है, तो अगर आपने आंसर चार दे दिया तो गलत हो जाएगा। वापस सुनना, मैंने कहा है कक्षक के लिए, ऑर्बिटल के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं होती है, तो कक्षक के लिए क्वांटम संख्याएं तीन ही होती है, चार नहीं होती है। कैसे? तो यहां देखिए, एक परमाणु के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले मिलेगा आपको कोश। इस कोश की जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब कोश को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक क्वांटम संख्या चाहिए, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से लिखते हैं। दूसरी, कोश के अंदर जाते ही आपको मिलेंगे उपकोश, सबशेल्स। सबशेल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कोश की जानकारी भी होनी चाहिए, मतलब दो क्वांटम संख्याएं इनके लिए चाहिएगी, दिगंजी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या। किसकी जानकारी के लिए? उपकोश की जानकारी के लिए। अगर आपको कक्षक यानी ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त करनी है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कुल कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिएगी कक्षक के लिए? तो एक तो कक्षक की चाहिएगी आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके अलावा उपकोश की चाहिएगी दिगंजी क्वांटम संख्या, और कोश के लिए चाहिएगी मुख्य क्वांटम संख्या। तो टोटल तीन क्वांटम संख्याएं कक्षक के लिए चाहिएगी, ऑर्बिटल के लिए। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ ले, तब आपको चारों क्वांटम संख्याओं को यूज करना है, कोश वाली भी, एन, एल, एम और एस, मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में बताती है? ये क्वांटम संख्या हमें बताती है मुख्य कोश की जानकारी देती है। मुख्य कोश की जानकारी का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से कोश का है। ठीक है, शेल की इंफॉर्मेशन देती है। और आपको याद होगा कि बोहर के जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उस बोहर के फॉर्मूले में एन का यूज करते हैं अपन, आपको याद होगा एन का यूज करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग, उसके अलावा ये क्वांटम संख्या हमें परमाणु की त्रिज्या की जानकारी भी देती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या की जानकारी। देखो आप, सारे फॉर्मूले में अपन ने एन यूज किया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके, है ना, उनमें हमने n यूज किया था, जैसे 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, तो n वहां पे यूज आ रहा था। इसका मतलब ये क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वेग और परमाणु की त्रिज्या की जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वांटम संख्या को देने वाला साइंटिस्ट था बोहर, बोहर के द्वारा दी गई। ठीक है, ये क्वांटम संख्या नील्स बोहर ने दी थी। अब बात करते हैं कि एक मुख्य कोश में, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दोनों क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, आरएस के एग्जाम में पूछे हुए हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे हुए हैं, कि एक मुख्य कोश में, ठीक है, एक मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 2n स्क्वायर सूत्र से, और एक मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कक्षक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे ज्ञात करते हैं, एन स्क्वायर, इसका आधा। ध्यान रखना, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, गांठ बांध लेना इसको, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा जो है वो कक्षक की संख्या होती है। जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधा कर दो कक्षक बन जाएंगे, जितने कक्षक हैं उसका डबल कर दो तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे।
और समझ में आ गई, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, सीधा आंसर देना है, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, कक्षक ऑर्बिटल्स की संख्या n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक मुख्य कोश को अपन रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम और एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन इक्वल टू वन हो सकता है, एन इक्वल टू टू हो सकता है, थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है। एन अगर वन हो तो इसे बोलते हैं के कोश, के शेल, अगर दो हो तो के एल, एल का मतलब एन बराबर दो, के एल के बाद आता है एम कोश और एम के बाद आता है एन कोश यानी एन शेल, तो इसको अपन शेल से रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम और एन। ठीक है, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर का मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। L कोश में कितने आ सकते हैं, n बराबर 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। n बराबर 3 में कितने होंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कुल इलेक्ट्रॉन होंगे 18। इसी तरह से n 4 में कितने होंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 यानी कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32। बात समझो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कि एम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। अब आपको पूछ ले कक्षक कितने होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक कक्षक होगा इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 कक्षक होंगे, 18 का मतलब 9 कक्षक होंगे और 32 का मतलब 16 कक्षक होंगे। इज दैट क्लियर, ये बातें आपको याद रखनी है मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में कि इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन 1, 2, 3 और 4, 5, 6 आगे तक हो सकता है। क्लियर, चलिए दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंजी या सेकेंडरी या एजिमिथल क्वांटम नंबर। देखें दूसरी क्वांटम नंबर है एजिमिथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंड दिगंजी क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में बताएगी तो ध्यान रखना कि दिगंजी क्वांटम संख्या को, एजिमिथल क्वांटम नंबर जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, ये क्वांटम संख्या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसकी जानकारी देगी, ये जानकारी देगी उपकोश की, उपकोश की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस, कौन सी क्वांटम संख्या से, सबशेल की जानकारी मिलती है तो सबशेल की जानकारी मिलेगी एजिमिथल या दिगंजी क्वांटम संख्या से। इस क्वांटम संख्या की ध्यान रखना इसको दिया किसने था, तो उपकोश की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले दी थी सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड द्वारा दी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वांटम संख्या किसने दी, सोमरफील्ड ने दी, सोमरफील्ड ने सबसे पहले उपकोश की बात की थी कि परमाणु में उपकोश होते हैं, सबशेल्स होते हैं। ठीक है, तीसरी बात इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये याद रखना कि द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब इसका जो मान होता है वो एन से कम होता है न्यूमेरिकली, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से इसका मान एन से कम होता है लेकिन इसके कुल मान एन के मान के बराबर होते हैं। गांठ बांधो उस लाइन को, अभी क्लियर करूंगा मैं इसको। ठीक है, इसका मान न्यूमेरिकली एक कम होता है लेकिन एग्जैक्टली बराबर होता है एन के, कैसे तो देखें, सबसे पहले तो एन बराबर वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री और एन इक्वल टू फोर। तो अगर एन वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एन माइनस वन करना है आपको, एन बराबर दो, एल बराबर एक, एन बराबर तीन, एल बराबर दो, एन बराबर चार तो एल बराबर क्या होगा, तीन होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना जीरो को बोलते हैं एस उपकोश, कीप इन माइंड, क्लियरली कीप इन माइंड। ठीक है, जीरो को बोलते हैं एस उपकोश, वन को बोलते हैं जब एल, एल की वैल्यू वन हो तो इसे बोलते हैं पी उपकोश, पी सबशेल, जब एन की वैल्यू टू हो तो उसे बोलते हैं डी उपकोश, स्मॉल डी। मैंने इनकी फुल फॉर्म्स आपको पहले बता रखी है जब मैंने आपको कक्षक पढ़ाया था, शार्प, एस, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, और एल बराबर तीन हो तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल यानी कि एफ उपकोश। क्लियर, तो ध्यान रखना एन बराबर जीरो एस होता है, वन पी होता है, टू डी होता है, एल बराबर और एल बराबर तीन एफ उपकोश। ठीक है, उपकोश के बारे में ये ध्यान रखना। अब बात आती है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, तो ध्यान रखना कि उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियरली कीप इन माइंड ये फॉर्मूला आप दिमाग पे रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस बार रीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,
टू एल प्लस वन, क्लियर, टू टू एल प्लस वन। और अगर आपसे पूछ ले कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जगह अधिकतम कक्षक की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप इसका आधा कर देंगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है ना, इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा, टू से टू कट गया तो पीछे क्या बचेगा, टू एल प्लस वन। तो एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है टू टू एल प्लस वन, और अधिकतम कक्षक की संख्या होती है टू एल प्लस वन, क्लियर। चलिए इसको मैं भी, इसको भी एक टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए n बराबर वन है, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री और n इक्वल टू फोर, क्लियर। चलिए n बराबर वन को अपन क्या कहेंगे, k, तो l क्या होगा, जीरो। l जीरो का मतलब हो गया s उपकोश, l वन का मतलब हो गया p उपकोश, l टू का मतलब हो गया d उपकोश, और l थ्री का मतलब हो गया f उपकोश। ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला ऊपर कि इसकी वैल्यू n माइनस वन होती है, मतलब n से कम होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसकी जो वैल्यूज है एग्जैक्ट कुल मान जो है वो हमेशा n के मान के बराबर होते हैं। कैसे n के मान के बराबर होते हैं, जैसे n बराबर वन तो वन एक वैल्यू है, l बराबर जीरो, जीरो भी एक वैल्यू है, तो वन और वन दोनों वन वन ही हुए। जैसे l बराबर दो है तो n बराबर दो है तो l बराबर एक है, एक के पहले क्या आएगा, जीरो, यानी जीरो वन, कितनी वैल्यूज हुई, दो वैल्यूज हुई, तो n बराबर दो तो l भी दो ही हुआ, जीरो भी हुआ और वन भी हुआ, तो टोटल वैल्यूज दो हुई, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज से एक कम होती है, क्लियर। अब आप इसमें बताएं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l बराबर जीरो रख दो, यहां पे l जीरो रखोगे तो याद ही रखो आप इसको कि हमेशा s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। फॉर्मूले को मत याद करो ना, फॉर्मूले में वैल्यू मत पुट करो, सीधा याद रखो कि s में दो आ सकते हैं, p l बराबर वन रखूंगा यहां तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छह। l बराबर मैं यहां पे दो रखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दस। और l बराबर मैं यहां तीन रखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उसमें, ठीक है। और कक्षक कितने हो सकते हैं, तो s में दो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कक्षक कितना हो गया, एक कक्षक ही हो सकता है। एल बराबर एक यानी पी उपकोष में छह इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितने हुए, पी में तीन कक्षक होते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्लियर। आ रहे ना वो चीजें वापस। एल बराबर दो है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल्स यानी कक्षक कितने होंगे, पांच ही होंगे। और आपको याद होगा मैंने बताया था पांच कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। लास्ट है 14, तो कितने कक्षक होंगे, सात कक्षक, 7 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसमें, एफ उपकोष के अंदर, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात दिगंजी क्वांटम संख्या के लिए, जो दिगंजी क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय कक्षीय जो है कोणीय संवेग भी अपने को ज्ञात करके देती है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब जब वो कक्षा में घूम रहा होता है, कोश में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग ज्ञात करना हो इलेक्ट्रॉन का अगर वो उपकोश में घूम रहा है तो उसके लिए एक सूत्र है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, क्लियर, सीधा याद रखना है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे एच अपॉन टू पाई जो है इसको अपन कई बुक्स में ये एच अपॉन टू पाई की जगह एच हेरा भी लिखा हुआ होता है इस तरह से, है ना, एच के ऊपर क्रॉस, एच क्रॉस पढ़ते हैं इसको, एच क्रॉस बोलते हैं या एच हेरा बोलते हैं इसको। तो जरूरी नहीं है कि एच अपॉन टू पाई लिखा हुआ, उसकी जगह एच हेरा भी लिखा हुआ हो सकता है। यहां पे आप एल का मान रख दीजिए, आपको कक्षीय कोणीय संवेग मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल बराबर जीरो यानी कि एस उपकोष का कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो एल बराबर जीरो रखेंगे अगर एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन का, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, तो यहां जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस वन इंटू करेंगे तो जीरो, टोटल कितना होगा जीरो, मतलब एल बराबर जीरो रखेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस इलेक्ट्रॉन का या कौन से उपकोष के इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग जीरो होता है, तो एस
एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग एंगुलर जो है मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या है अपने पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एम से। आपके लेवल पे इस तरह के सवाल पूछेंगे, इनमें से किस क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। सबसे पहली बात किसके बारे में जानकारी देती है, तो यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देती है। अभिविन्यास की जानकारी देती है, ये भी आरएस लेवल पे पूछा हुआ सवाल है। कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक कैसा दिखता है, शेप कैसा है, लुक लाइक किस तरह से दिखता है, वो उसकी जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को देने वाला साइंटिस्ट था जीमान। तो जीमान के द्वारा दी गई, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा का टूटना जीमान प्रभाव कहलाता है। वही जीमान जो है उसने आगे बताया था कि ये कक्षकों के कारण होता है, उपकोश के अंदर बहुत सारे कक्षक होते हैं, तो ये क्वांटम संख्या जीमान के द्वारा दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं, और ध्यान रखना कि एम का कुल मान कितना होता है, एम की टोटल वैल्यूज कितनी होती है। तो एम की जो टोटल वैल्यूज होती है वो बराबर होती है कक्षकों की संख्या के, यानी कि 2l+1। ठीक है, इसका कुल मान कक्षकों की संख्या के बराबर होता है 2l+1 टोटल वैल्यू। लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -l से 0 से +l। ठीक है, -l से 0 से +l इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। संख्यात्मक मान जो होता है वो -l से 0 से +l के बीच में होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्लियर करके कि किस प्रकार से माइनस से प्लस की ओर होता है। जैसे सबसे पहली बात, n बराबर 1 के लिए अपन 0 के लिए अपन देखते हैं m का मान। तो ध्यान रखना जब l बराबर 0 होगा तो m का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। आप रख के देखें 0, यहां 0 रखेंगे तो कुल वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहां आप 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1। और उस 1 का न्यूमेरिकल मान कितना है, संख्यात्मक मान कितना है, 0। बात समझ में आ गई, थोड़ा ध्यान से कंसेप्चुअली समझना, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि इसकी टोटल वैल्यू तो इसके बराबर होती है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस एल से 0 से प्लस एल होती है। मतलब 0 भी तो एक वैल्यू है ना, 1, 0 इज ऑल्सो अ वैल्यू, एक कोई मान है, एक मान है, तो ये 0 मान है उसका। ठीक है, एस के लिए, दिस इज फॉर एस कक्षक, तो एस कक्षक के लिए हमेशा एम का मान 0 होता है। नाउ एल इक्वल्स टू 1, अगर एल 1 हो तो एम का मान क्या होगा, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। तीन मान होंगे -1 से +1, तो -1, 0, +1 तीन वैल्यूज हो सकती है। ध्यान रखना जो 0 है वो हमेशा होता है z एक्सिस के लिए। z एक्सिस का मतलब हो गया p में तीन होते हैं, pz, px और py। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गांठ बांध लेना कि 0 हमेशा S, जो Z एक्सिस होती है ना, Z अक्ष, उसके लिए हमेशा M का मान 0 लिया जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहे जो ले सकते हैं, चाहे तो PY को -1 ले सकते हैं, चाहे तो PX को +1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन PZ के लिए हमेशा क्या होगा, 0 इसकी वैल्यू ली जाएगी। क्लियर, तीन कक्षक होते हैं, तीनों के मैंने आपको मान बताए। चलिए इसके बाद में है L बराबर 2। L बराबर 2 का मतलब हो गया D उपकोश, ठीक है, और D कक्षक, तो ये आ गए D कक्षक। L बराबर 2, L बराबर 2 तो M का मान क्या होगा भैया, M का मान होगा -2, -1, 0, +1 और +2। पांच मान होंगे टोटल, वैल्यूज अभी रख के देख लेना, पांच मान आएंगे -2, -1, 0, +1 और +2। और D होते भी पांच हैं, जिसमें से dz स्क्वायर जो है वो अपने को लेना है 0। dz स्क्वायर आएगा 0 पे, बाकी पे आप चाहे जैसे वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे dxy, dyz, dzx, ठीक है, dzx, dx square to y square
और डी जेड स्क्वायर, लेकिन डी जेड स्क्वायर हमेशा किस किसके लिए आएगा, जीरो पे आएगा, ये आप ध्यान रखना, बाकी के लिए आप चाहे जो वैल्यू रख सकते हो। क्लियर। ऐसे ही एल इक्वस टू थ्री, एल इक्वस टू थ्री तो एम का मान क्या होगा, जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है और प्लस माइनस थ्री हो सकता है, टोटल सात मान आएंगे। आप देख लो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, छह तो ये हो गए और एक जीरो, टोटल सात वैल्यू आएगी क्योंकि एफ में सात कक्षक होते हैं। सो एल बराबर तीन हो तो एम का मान ये होगा। क्लियर। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एल का मान अगर तीन हो तो एम के संभावित मान क्या होंगे, एम के संभावित मान जो है वो होंगे जीरो, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री। क्लियर। चौथी क्वांटम संख्या है अपने पास चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या नंबर फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए ये किसके बारे में बताती है, आप ध्यान से देखना, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से चक्रण करता है, या तो इस तरह से घूमता है एंटी क्लॉकवाइज या इस तरह से घूमता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो एस का मान प्लस वन बाई टू लेते हैं और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस वन बाई टू लेते हैं, यानी एस के दो ही मान हो सकते हैं, एस के मान दो ही हो सकते हैं, प्लस माइनस वन बाय टू, ये एस का मान हो सकता है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, दो वैल्यू होती है। ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या। ध्यान रखना, आपकी नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं और आगे भी आपके ये काम आएगा उसके लिए भी बता रहा हूं कि जब भी अपन किसी कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो ध्यान रखना कि कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस वन बाय टू का भरा जाता है। ठीक है, मैं यहां क्लियर कर देता हूं एक बात, अगर आपने माइनस वन बाय टू भर दिया है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे जो भर सकते हैं, पहला प्लस हाफ भी भर सकते हैं या माइनस हाफ भी भर सकते हैं कक्षक में। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, प्लस हाफ भरा जाएगा। तो कक्षक में आप चाहे जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, प्लस हाफ वाला भी भर सकते हो या माइनस हाफ वाला भी, लेकिन अगर एक प्लस हाफ का भरा है तो दूसरा माइनस हाफ का होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे और डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन चाहे तो ये भरा है तब भी सही होगा, आपने पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे भरा है तब भी सही होगा, लेकिन अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी सही होगा, लेकिन अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा है दूसरा भी क्लॉकवाइज भरा है तो गलत होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पहला इलेक्ट्रॉन चाहे जो भर सकते हो लेकिन ऑथेंटिकली साइंटिफिकली सही कौन सा होता है, प्लस वन बाय टू पहले भरा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, दोनों चक्रण समान, एक समान चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले एक कक्षक में नहीं हो सकते। क्लियर, तो ये चक्रण की जानकारी देती है, चक्रण क्वांटम संख्या। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो तीन क्वांटम संख्याएं हैं वो कहां से प्राप्त हुई और चौथी क्वांटम संख्या कहां से प्राप्त हुई, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं। चक्रण क्वांटम संख्या दी थी गुडस्मिट ने, चक्रण क्वांटम संख्या को देने वाला साइंटिस्ट था गुडस्मिट। ठीक है, ये जो तीन क्वांटम संख्याएं हैं एन, एल और एम, और चौथी है एस, स्पिन, थोड़ा सा आइडिया रखना अगर पूछ ले तो। ठीक है, वो क्या चीज है कि तीन क्वांटम संख्या जो है एन, एल, एम, ये सबसे पहले जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण, जो अपने सिलेबस से बाहर की बात है, वो मैं आपको सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में बता रहा हूं सिर्फ याद रखने के लिए कि क्योंकि टेंथ क्लास की बुक में श्रोडिंगर का भी नाम लिया हुआ है, तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है उसके सॉल्यूशंस, हल, उसको जब सॉल्व किया गया तो तीन क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है एन, एल और एम। ये जो चौथी क्वांटम संख्या है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, जबकि बाकी तीनों प्राप्त होती है। क्लियर। अब देखो
चारों क्वांटम संख्याएं मैंने आपको बताई, अब आप इस पे सवाल कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ जाए, किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात, क्वांटम संख्या पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चारों क्वांटम संख्याओं को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। सबसे आगे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एन, सबसे आगे लिखते हैं किसको, एन को, बीच में लिखते हैं एल को, नीचे लिखते हैं एम को और ऊपर लिखते हैं एस को। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चारों क्वांटम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एन एल एम और एस। इससे कंपेयर करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बता सकते हो। जैसे आपके लिए किसी ने लिख दिया 3d z² 1, ये कोई इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी? जैसे किसी ने आपको ये लिख के दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है 3d z1 का, चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी? तो आप इसको इससे कंपेयर कर लो। इससे कंपेयर करने का मतलब आगे एन है, सो एन की वैल्यू क्या हो गई, 3, ठीक है, 3। फिर बीच में क्या है, एल, और एल आपको क्या दिया है, डी। और अपन जानते हैं कि 0 होता है एस के लिए, 1 होता है पी के लिए, 2 होता है डी के लिए, है ना, एस। तो एल बराबर 2 आ गया, 2 है ना, डी आ रहा है बीच में। डी का, एल का मान कितना होता है, डी का 2 होता है। फिर एम, एम का मान कितना होगा, तो देखो डी जेड स्क्वायर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, डी जेड वाले के लिए हमेशा 0 लिया जाता है एम का मान, तो ये हो गया 0, क्लियर। और एस का मान क्या होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या भरेंगे, +1/2 भी भर सकते हैं, -1/2 भी भर सकते हैं, लेकिन +1/2 ज्यादातर लिखा जाता है, क्लियर। कोई भी इलेक्ट्रॉन, आप जैसे आपको इसी टाइप का कोई दूसरा बना के दे दिया, लाइक 2p z1 की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी। अब 2p z1 आ गया, 2p z1 का मतलब n बराबर 2, बराबर है, आगे 2 लिखा हुआ है। l इक्वल्स टू कितना आएगा, p है, एल पी, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ गया 1। एम इक्वल टू, अब देखो पी जेड, जेड वाले के लिए क्या होगा, एम हमेशा 0 होगा, तो ये आ गया 0। और एस बराबर क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन है तो +1/2 अपन ने भर दिया। बस समझ में आई चारों क्वांटम संख्याएं ना। अब इन क्वांटम संख्याओं पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना इन सवालों को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखो, क्वांटम संख्याएं होगी, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं क्या होगी, है ना। तो ये अपने को बताना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी। देखो भैया, जब भी ऐसा कभी सवाल पूछ लाएगा ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन या पांचवा इलेक्ट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन, तो आप उसका एक इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख दो, जो नॉर्मली सभी को आता है, 10-11 इलेक्ट्रॉन भरने तक सबको आता है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, फिर होता है 2s में, फिर होता है 2p में, और फिर होता है 3s में, फिर होता है 3p में, फिर होता है 4s में, और 4s के बाद जाता है 3d। मैं इसको बाद में आपको आगे जब मैं अफबव के नियम पढ़ाऊंगा तब मैं इसको क्लियर करूंगा, अभी आप इसको याद रख लें, ठीक है, कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d। और इलेक्ट्रॉन्स तो अपने को पता ही है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम सब जानते हैं कि s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, फिर एस में कितने होंगे, 2, पी में कितने होंगे, 6, एस में वापस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन। ये अपने को पहले से पता है भाई, इतना इतना इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, चारों क्वांटम संख्या है सोडियम, नाउ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या हुआ, 1s2, ये मैं लिख रहा हूं सोडियम के लिए, Na, 1s2, 2s2, 2p6, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एक बच गया, कहां जाएगा वो, 3s में जाएगा, तो 3s1 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं सबसे पहले, ये मैं आपको आगे जो है एक ट्रिक से क्लियर करूंगा और भी क्लियरली कि ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनता कैसे है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ध्यान रखें कि यहां तक 3p तक या 4s तक आप याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है, क्लियर। अब इसके लिए आपको लिखना है सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s में, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में गया, तो 3s की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी,
तो 3s की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी? तो सबसे पहले n इक्वल टू क्या है आगे 3, l बराबर किस में गया है s में, s का l कितना होता है 0, m इक्वल टू अगर l 0 है s के लिए, l 0 है तो m भी 0 ही होता है, m भी 0, और s बराबर प्लस 1/2 क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1/2 का भरा जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में तो माइनस 1/2 का भरेंगे अपन। समझ में आई? ऐसे इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाते हुए अपन क्लियरली पढ़ सकते हैं क्वांटम संख्याओं को। और क्लियर करते हैं, देखो दूसरा सवाल मैं आपको बना के देता हूं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको एक और क्वेश्चन दिया है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का एल बराबर 0 होगा। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम हैविंग एल इक्वल टू 0, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का एल 0 है। देखो अब एल 0 का क्या मतलब हुआ, पता ही है अपने को, एल 0 किसका होता है, एस उपकोष का होता है ना, तो आपको ये काउंट करना है कि एस वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख दिया इसका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब आप काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम का जिनका एल बराबर 0 होगा, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन है जिनका एल 0 होगा, 2 एस के ये भी हैं इनका भी एल 0 होगा, और एक यहां पे भी आ रहा है 3s में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी एल 0 होगा। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका एल बराबर 0 होगा, आंसर इज 5। सोडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका एल का मान 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से देखना, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा समुच्चय संभव नहीं है, ठीक है, विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा समुच्चय जो है वो संभव नहीं है। और ऑप्शन नंबर 1, आपको कुछ ऑप्शंस में बता रहा हूं, जैसे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस 1/2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछने लायक है। नंबर 2, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इज 0, s इज प्लस 1/2, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है आप उसको भी डाउनलोड करके उसके सारे जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वो आप खुद सॉल्व करना सेल्फ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे वापस सेंड करना, मैं उनको जो है विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से होंगे। नंबर 3, n इज 2, l इज 3, m इज 0, s प्लस 1/2, एंड नंबर 4th, n जो है वो आपको दिया हुआ है n इज 1, l इज 0, m इज -1 एंड s इज प्लस 1/2। कंसेप्ट क्लियर करना भैया, है ना, अपने को कंसेप्ट से मतलब है, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं 1/1 कंसेप्चुअल चीज से बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट क्लियर करना कि कब कौन सा पॉसिबल होता है और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने चार ऑप्शन दिए, इसमें ऑप्शन एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चार भी सही हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, तो दो हैं चीजें। सबसे पहला, जिसमें एल का मान एल के मान से कम है या बराबर है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सबसे पहली बात, हमेशा क्या होगा भैया, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल, एन हमेशा एल से बड़ा होगा। अगर एन एल के बराबर है या एन एल से कम है तो वो क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होती है, पहली चीज। दूसरा, द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू एल, एल के बराबर हो सकती है और इज लेस देन एल, ठीक है, सेम वही चीज, लेस देन एल और इक्वल टू एल, एल के बराबर या एल से कम हो सकती है तो वो क्वांटम नंबर क्या होगा, यस पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर कहीं पर भी एम का मान ज्यादा है एल से, That quantum number is not possible.
दैट क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो दो मैंने आपको कंसेप्ट बताए। सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये चेक करना है कि n की वैल्यू l से कम है या बराबर है, या बराबर तो नहीं है। और दूसरा ये देखना है कि m की वैल्यू l से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये दोनों केस होते हैं तो फिर क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि n 3 है तो l उससे छोटा है, 1, n l 1 है तो m 0 हो सकता है, क्योंकि 1 में क्या आता है, 0 भी आता है और 1 भी आता है, प्लस 1 माइनस 1, तो 0 आ सकता है। n 4 है, l 0 है, हो सकता है। n इक्वल टू 4 है तो l 0 हो सकता है, क्योंकि n इक्वल टू 4 में क्या आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो 0 आ सकता है। ठीक है, अगर l 0 है तो m भी 0 है, ये भी सही है। अगर l 0 तो m भी 0, करेक्ट है, सही है, है ना, तो s प्लस 1 बाई 2। तीसरा देखो, n बराबर 2 है, l 3 है, तो n 2 और l 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू m से ज्यादा आ रही है, तो दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है सेट भैया। चौथा देखो, n 1 है, l 0 है, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन अगर l 0 है तो m माइनस 1 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैंने लिखा है यहां पे साफ, m इज ग्रेटर देन l, है ना, माइनस प्लस साइन नहीं देखना है आपको। ये 0 है तो ये 1 है, ये समझो आप, तो 0 है तो 1 है, और 1 है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, सो दिस सेट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियरली समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि विच सेट इज पॉसिबल और विच सेट इज। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्वांटम संख्या पे, क्वेश्चन नंबर 4th। और 4th क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव नहीं है, विच सबशेल इज नॉट पॉसिबल इन एटम। परमाणु में कौन सा जो है इनमें से उपकोष संभव नहीं है, और आपको ऑप्शंस दे दिए। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 3D, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3F, तीसरा ऑप्शन दे दिया 4P और चौथा ऑप्शन दे दिया 7S। कौन सा उपकोष संभव नहीं है? ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि उपकोष वो संभव नहीं होता है जिसमें n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होती है, तो ही आपका उपकोष संभव है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्वांटम संख्याओं वाले क्वेश्चंस में बताया था, वही ट्रिक आपको यहां लगानी है। ट्रिक सेम है, वहां पर भी यही था कि जिसमें इस क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन नंबर 3 देखिए, n का मान 2 है, l का 3 है, तो पॉसिबल नहीं है। सेम वही है यहां पर भी कि n l से ज्यादा होना चाहिए। अगर n l से कम है या बराबर है तो वो उपकोष संभव नहीं होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। 3d तो बनाओ, दोनों वैल्यूज बनाओ भैया, n की वैल्यू कितनी हो गई 3 और l की वैल्यू कितनी हो गई, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2, SPD यानी 2, तो पॉसिबल है क्योंकि n ज्यादा है l कम है। दूसरा 3f में देखो, n बराबर 3, l इक्वल टू, काउंट करो l कितना आएगा आपके लिए, देखो l 0 1 2 3, SPDF है ना, 0 1 2 3, SPDF मतलब l के, l का मान कितना आया f के लिए, 3 आया। अब n भी सेम है, l भी सेम है, जब n और l दोनों समान हो तो ऐसा समुच्चय या ऐसा जो सेट है उपकोष का वो संभव नहीं है, तो 3f इज नॉट पॉसिबल। ये संभव है, क्यों है? क्योंकि n का मान 7 है और l का मान 0 है, पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि n का मान 4 है और l का मान 1 है, p के लिए 1 होता है, तो ये भी संभव है। इज दैट क्लियर? चलिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक आपको क्वेश्चन बना के दे दिया कि यदि n प्लस l बराबर 7 हो तो उपकोषों की जगह मैं कक्षक ले लेता हूं, थोड़ा और आगे तक बढ़ जाएगा क्वेश्चन, कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, उपकोष की जगह कक्षक कर लेते हैं, कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से देखो इसको। कह रहा है कि अगर n और l का जो योग है वो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो ऐसे कितने कक्षक हैं जिनका n प्लस l का मान 7 होता है, 7 से ज्यादा नहीं होता।
इसके लिए अपन क्या करेंगे, सेट बना बना के देखेंगे। एक तो ये तरीका है अपने पास, और एक अपने पास तरीका है मैथ्स का। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अगर n प्लस एल सात है तो हम कह सकते हैं कि n प्लस एल इक्वल टू सेवन है। और अपन ये भी जानते हैं कि l बराबर क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है कि l क्या होता है, l इज इक्वल टू n माइनस वन, है ना, ये अपन ने पढ़ा है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो हो जाएगा 2n, n और n जुड़ जाएंगे, 2n माइनस वन इक्वल टू सेवन। तो n बराबर कितना आ गया, 8/2, 8/2 का मतलब 4। अगर n का मान 4 है तो कुल कक्षक कितने होंगे, कक्षक का सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर कर दीजिए तो कुल कक्षक आ जाएंगे। एन स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कक्षक कितने हो गए, 16 कक्षक। और अगर 16 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये तो अपना मैथ्स का सवाल हो गया। अभी मैथ्स की तरह मैंने इसको कर दिया, लेकिन अगर आपको इसको समझ के करना हो, है ना, केमिस्ट्री वाइज करना हो, तो आप अपना कंसेप्ट लगाएंगे इसमें क्या, कि जिसका एन प्लस एल सात है सिर्फ वही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो बना के देख लें, यह है एन प्लस एल इक्वल टू सेवन। तो पहले मैं एन रखता हूं सात, एल रखता हूं जीरो, हो सकता है सात आ रहा है एन प्लस एल, और ये हो गया सेवन एस, क्योंकि एल जीरो है तो एस और सेवन एस। ऐसे ही मैं इसको रख सकता हूं सिक्स, इसको रख सकता हूं वन, अभी भी पॉसिबल है। एन का मान बड़ा है, एल का मान छोटा है, ये हो गया सिक्स पी। ये मैं रख सकता हूं पांच, इसको रख सकते हैं दो, अभी भी पॉसिबल है ये, है ना, फाइव डी हो गया ये, फाइव डी। और फोर थ्री, फोर प्लस थ्री अभी भी सात हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। कितना हो जाएगा, फोर प्लस थ्री सेवन, यानी कि फोर एफ, थ्री होता है एफ के लिए, ये सब पॉसिबल है। तो अपन ने बना लिए, लेकिन इसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको थ्री करूं, इसको फोर करूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि एन छोटा हो गया एल से। तो यानी कि यहां तक पॉसिबल है, और अगर यहां तक पॉसिबल है तो ये हो गए चार उपकोश। कक्षक गिनो, एस में कितना कक्षक होता है, एक, पी में कितने होते हैं, तीन, डी में कितने होते हैं, पांच, और एफ में कितने होते हैं, सात। तो कुल कक्षक कितने हो गए, 16 कक्षक। ये आपका क्लियरली समझ में आया ये सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए तो अपन इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अफबाउ के सिद्धांत, अफबाउ के प्रिंसिपल। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस लेक्चर से रिलेटेड और परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। साथ में परमाणु संरचना का जो पीडीएफ है, जो रीट लेवल पे या आरएस लेवल पे, कांस्टेबल लेवल पे, हर लेवल पे वो यूजफुल है, वो भी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।